दोस्तों, सपनों का मतलब जानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि सपने में दिखाई देने वाला दृश्य हमारे भविष्य में होने वाली स्थिति को दर्शाता है और हमें सावधान करता है कि हमें क्या करना चाहिए, जिससे अगर कोई हानि होने वाली है तो वह हम कैसे टालें और कैसे सामना करना चाहिए। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको सपने में बच्चा देखने का मतलब के बारे में जानकारी देने वाले हैं, इसलिए आप यह वीडियो अंत तक जरूर देखें। स्वप्न शास्त्र के अनुसार सपने में छोटा बच्चा देखना बहुत शुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि सपने में छोटा बच्चा दिखाई देने पर आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और आप जो कार्य करते हैं वह आपकी इच्छा से स्वयं करते हैं, जिसमें आपको खुशहाली प्राप्त होती है। ऐसा करने से आपका मन प्रसन्न रहेगा और आपको हर कार्य करने में रुचि और भी बढ़ेगी। सपने में बच्चा होना। यदि कोई शादीशुदा महिला को ऐसा सपना आता है कि जिसमें उसे बच्चा होता हुआ दिखाई देता है, तो इसका अर्थ यह है कि जल्द ही उस महिला की गोद भरने वाली है और नन्हा सा बच्चा उसके घर जन्म लेने वाला है। यदि कोई गर्भवती महिला सपने में बच्चा देखती है, इसका अर्थ यह होता है कि उस महिला का बच्चा तंदुरुस्त और स्फूर्ति वाला होगा। स्वप्न शास्त्र के अनुसार सपने में छोटा बच्चा होना बहुत शुभ माना जाता है। सपने में छोटा बच्चा देखना। यदि आपको सपने में छोटा बच्चा दिखाई देता है, इसका अर्थ यह है कि आपका दाम्पत्य जीवन खुशहाल होने वाला है। यदि पति और पत्नी के जीवन में किसी बात को लेकर अड़चन है या समस्या है, तो वह जल्द ही हल होगी और दोनों ही एक दूसरे को समझकर अपना जीवन अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। सही मायनों में सपने में छोटा बच्चा देखना खुशहाल भरी जीवन जीने की तरफ इशारा करता है। सपने में बच्चे का रोना देखना। सपने में रोते हुए बच्चे को देखने का मतलब बहुत अशुभ माना जाता है। स्वप्न शास्त्र के अनुसार सपने में बच्चे को रोना आपको मानसिक परेशानी होने का संकेत देता है। रोते हुए बच्चे का स्वप्न फल आर्थिक समस्या और घर में द्वेष के चलते झगड़ा होने की तरफ इशारा करता है, इसलिए सपने में बच्चे का रोना अशुभ माना जाता है। सपने में बड़ा बच्चा देखना। ऐसा कई बार होता है जब सपने में आपको बार बार एक बड़ा बच्चा दिखाई देता है। सपने में बड़ा बच्चा दिखाई देने का मतलब शुभ माना जाता है। स्वप्न शास्त्र के अनुसार सपने में बच्चा देखना रुके हुए कार्य की बाधा को दूर करता है और आपका कार्य सफलतापूर्वक समाप्त होता है। ज्योतिष शास्त्र भी यह मानते हैं कि सपने में बड़ा बच्चा देखने का अर्थ यह होता है कि आपके जीवन में नकारात्मक विचार दूर होंगे और सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होगी, जिसके चलते आपके आने वाला समय अच्छा होने वाला है। यदि आपको यह सपना बार बार आता है, तो समझो आपके जीवन में खुशियों की बहार आने वाली है और आपका जीवन मंगलमय होना निश्चित है। सपने में जुड़वा बच्चा देखना। जुड़वे बच्चे का स्वप्न बहुत ही लाभदायक और शुभ माना जाता है। यदि कोई कुंवारा व्यक्ति या युवती सपने में जुड़वे बच्चे को देखती है, तो इसका अर्थ यह होता है जल्द ही उनकी शादी होने वाली है या फिर शादी होने का योग बनने लगता है और जल्द ही उन्हें एक सुंदर अच्छे घर का पार्टनर मिलने का संकेत है। यदि कोई शादीशुदा महिला या व्यक्ति को सपने में जुड़वे बच्चे दिखाई देते हैं, इसका मतलब यह है कि जल्द ही उनके घर में संतान प्राप्ति हो सकती है।
यह सपना यह भी इशारा करता है कि उनके घर जुड़वे बच्चे का जन्म भी हो सकता है। सपने में बच्चा चोरी होना। दोस्तों, यदि आपको सपने में बच्चा चोरी होते हुए दिखाई देता है या कोई व्यक्ति बच्चे को किडनैप कर रहा है, इसका अर्थ यह है कि आपके खुशी पर किसी की नजर पड़ गई है और वह व्यक्ति नहीं चाहता कि आप खुशहाल रहें। आपकी खुशी पर वह व्यक्ति आंख लगाए बैठा है और मौका पाने पर आप पर कोई षड्यंत्र रचने का प्रयास कर सकता है। शास्त्र के अनुसार सपने में बच्चा चोरी होना खुशी को नजर लगने के बराबर माना जाता है, इसलिए यह सपना अशुभ माना जाता है। दोस्तों, आशा है आपको आज की हमारी वीडियो काफी पसंद आई होगी। अगर आप ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारी वीडियो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।